लाते हैं, जो भी उनका दर्शन पाता रहता ही उनमें मगन है, ऐसे गुरुवर सूर्य पीयूष सागर महाराज साहब को मेरा हमारा कोटि कोटि वंदन है। धार्मिक संस्कार घर में विद्यमान थे और ऐसे में एक पुत्र रत्न का जन्म होना और उसपे सोने पे सुहागा ये हुआ कि धार्मिक संस्कार बचपन से ही प्राप्त हुए। आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति। और उसी में ही यहाँ पर पुत्र रत्न नामकरण हुआ प्रदीप। स्कूल जाने के लायक हुए, स्कूल भेजे गए, लेकिन स्कूल में कहाँ अध्ययन में पढ़ाई में मन लगना, रुचि तो कहाँ थी धार्मिक आराधनाओं में, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार और पारख जन पारख परिवार के संस्कार। देखते हैं आगे की प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ शिरोमणि महतरा विभूति मनोहर श्रीजी महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ और ऐसा सानिध्य कि पूरी तरह से व्यवच में और सेवा में अपना तन मन धन अर्पित किया और यहां तक कि संयम के बीज भी उत्पटित हुए। देखते हैं आगे की प्रस्तुति इसी के माध्यम से। मनोहर श्री जी महाराज साहब के बहुत ही आशीर्वाद से आपको वैराग्य भाव जागा, लेकिन उससे पूर्व बहन महाराज साहब परम पूज्य प्रियंका श्री जी महाराज साहब जिनको इस वर्ष और अभी 50वां दीक्षा दिवस यानी संयम दिवस अभी इसी हफ्ते हुआ और हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बहन महाराज साहब दीक्षित हुए, गुरुवरिया श्री जी का आशीर्वाद और संयम के बीज स्फुटित हुए और वैराग्य का और ऐसे ही हमारे यहाँ पर दीक्षित होकर प्रदीप से क्या नाम पड़ा, गुरुवर पीयूष सागर। आगे की प्रस्तुति देखते हैं। Yeah.
धार्मिक कार्य किए और बहुत ही सुंदर अवसर कि एक सुनील बरड़िया नाम के श्रावक महाराज साहब के शिष्य बने, ऐसे शिष्य बने, अनमोल शिष्य कि एक अनमोल रत्न के रूप में उनको मिले परम पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब। रत्न सागर जी महाराज साहब के गुरु के समक्ष अपना जीवन अर्पण कर। सम्यक सागर जी का ये रोल है आपके सामने और मैं बताना चाहूंगी कि उनके भाव कैसे थे। मेरी लगी गुरु संगीत के दुनिया नहीं है। जो उनका शुरुआती पैर रहता है वो कैसे कहते हैं? आगे बहुत सारे शासन के कार्य करने के पश्चात नागपुर महाराज साहब पधारे और नागपुर में क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। आचार्य पदवी मुनि पीयूष सागर जी महाराज साहब को प्राप्त हुई और देखते हैं आचार्य पदवी यहाँ पर किस तरह से अगली प्रस्तुति के माध्यम से हम देखते हैं। आचार्य पदवी प्राप्त होने के बाद कार्यक्रम रुके नहीं, जिन शासन के का जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा करवाई और यही नहीं खड़गर सहस्त्राब्दी महोत्सव इतने पूरे जहां जलाई रूप से मनाया जा रहा है और इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम उसके माध्यम से और देखते हैं उसके पश्चात नहीं उसके बाद भी क्रम रुका नहीं है। हाल ही कल ही तो हमने देखा दीक्षा और उससे पूर्व उपधान तक नवाणु यात्रा और यही सब हम देखेंगे अगली प्रस्तुति के माध्यम से।